बड़वानी। नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर ने नर्मदा के इंटेक वेल का किया निरीक्षण। जल स्तर कम होने से गांव में आ रही पानी की कमी, इंटेक वेल रिपेयरिंग कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। इंटेक वेल और नर्मदा का जल स्तर का निरीक्षण करते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि सरदार सरोवर में पूर्ण जलाशय तक 138.68 मीटर तक पानी भरने का निर्णय 2017 में लिया गया था, जिसके चलते कई घर डूब में गए हैं। 33 वर्षों की लड़ाई में आज घरों की जगह महल भी खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुविधाएं देने का निर्देश दिया था, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अवैध उत्खनन से नर्मदा को छलनी कर दिया है। नर्मदा का जल स्तर आज 110 मीटर से भी कम हो गया है, जिसमें आज पानी की समस्या खड़ी हो गई है। मेधा पाटकर ने आरोप लगाया कि बार बार रिपेयरिंग के नाम पर कार्य करना भ्रष्टाचार का जरिया बन गया है। बड़वानी शहर के लोगों को भी आज साफ पानी नहीं मिल रहा। यहाँ क्या हालात देख कर यही लग रहा है कि संघर्ष करते रहना पड़ेगा। बड़वानी, वाहन मालिक ने फाइनेंसर पर लगाया धोखाधड़ी करने का आरोप। कोतवाली थाने पर ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। टीआई बोले जांच के बाद करेंगे कार्यवाही। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर वाहन मालिक राजपुर निवासी लखन बड़ोले ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने पर एक शिकायती आवेदन दिया है। वाहन मालिक के अनुसार उसके द्वारा फाइनेंस कंपनी से टवेरा वाहन फाइनेंस करवाया था। फाइनेंस के साथ में वाहन का बीमा भी फाइनेंस कंपनी द्वारा ही किया जाता है। जनवरी 2011 में वाहन का बीमा खत्म होने पर फाइनेंस कंपनी द्वारा उसे 1296 रुपये मासिक किस्त के साथ जोड़कर करीब 3 माह तक राशि ली गई, लेकिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर फाइनेंस कंपनी ने बीमे से इनकार कर दिया, जिसको लेकर आज बड़वानी कोतवाली थाने पर आवेदन दिया है। थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सेंधवा, भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल की बरसी पर मनाया काला दिवस। मीसा बंदियों का साल श्रीफल देकर किया सम्मान। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आज उसकी बरसी काला दिवस के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाकर मीसा बंदियों का साल श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। सेंधवा शहर में 15 से 16 मीसा बंदी रहे, जिनमें श्री राम सोनी और सोहन अग्रवाल भी शामिल थे। उनका आज पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतरसिंह आर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी, पूर्व जिला अध्यक्ष एस वीरास्वामी के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा जिला अध्यक्ष ने मीसा बंदियों पर की गई यातनाएं और भाजपा सरकार द्वारा मीसा बंदियों के लिए की गई घोषणाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।